कराची नॉर्थ नाजमाबाद में वाके अलजामियत सैफिया की इस इमारत को मादो जहरा के नाम से जाना जाता है, जो कुरान मजीद हिफ्ज करने वालों के लिए मुख्तस है। तलबा की इल्मी और अमली तरबियत के लिए इस दर्सगाह में कुरानिक गार्डन हदीकतुल कुरान कायम है, जिसकी बुनियाद 1984 में रखी गई। واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا। इस गार्डन की खास बात यह है कि कुरान पाक में जिन सात फलों का जिक्र है वो तमाम दरख्त यहाँ मौजूद हैं। कुरान मजीद में जो फ्रूट्स का जिक्र है वो सात ही फल हैं और वो सात फलों के सब दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। इकोलॉजिस्ट रफीउल हक के मुताबिक मुल्क का ये पहला और वाहिद कुरान गार्डन है। बड़ा अच्छा मुझे महसूस हुआ, मैंने मालूम किया मुंतदिमीन से तो पता लगा कि ये स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बड़ा आइडियल अंदाज है उनका। थीमेटिक गार्डन में गालिबन ये इसने प्राइज विन किया था। माहिरीन के मुताबिक बाग को किसी खास थीम से मंसूब करके शजरकारी की मुहिम में लोगों की दिलचस्पी पैदा की जा सकती है और इसे कामयाब बनाया जा सकता है। दीन दुनिया की भलाई के लिए है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना ये इल्म की बुनियाद है। जामियत सैफिया में मौजूद ये कुरानिक गार्डन उसकी एक जिंदा मिसाल है। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ शहरबानो मुर्तज़ा, समा कराची।